इंसान विज्ञान की बदौलत आज चांद और मंगल ग्रह तक पहुंच चुका है। यह सभी सफलताएं मानव प्रजाति के उज्जवल भविष्य का प्रमाण देती हैं। पर चांद और मंगल ग्रह तक पहुंचने के बाद भी हमारी पृथ्वी पर ही कई ऐसे स्थान हैं जहां इंसान की पहुंच को सीमित कर दिया गया है। भारत में भी एक ऐसा ही स्थान है, श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। इस मंदिर में मौजूद एक रहस्यमय दरवाजे की कहानी निश्चित रूप से रोमांचित करने वाली है। पिछले कई वर्षों में कई लोगों ने इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, पर वे सभी असफल रहे। पर आखिर इस मंदिर के दरवाजे के पीछे क्या छुपा है और क्यों इंसान इसे आज तक नहीं खोल सका, जानेंगे आज के एपिसोड में। पर दोस्तों, उससे पहले वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल इनेबल कर सकते हैं। केरल के थिरुवंतपुरम में मौजूद श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के प्राचीन खजाने की कहानी अत्यंत रहस्यमय और फिल्मी लगती है। जहां खजाने के दरवाजे को खोलने के लिए जादुई शब्दों और मंत्रों का प्रयोग करना जरूरी होता है। इस मंदिर में कुल 6 अंडरग्राउंड वॉल्स हैं, जिनमें से आज तक केवल 5 दरवाजे ही खोले जा सके हैं। ऐसा कहा जाता है कि सन 1930 में इस खजाने की खोज में आए कुछ लोगों ने इस मंदिर के वॉल्ट्स को खोलने का प्रयास किया, और जैसे ही उन्होंने यह किया, उन सभी दरवाजों में से जहरीले जानलेवा सांप निकलने लगे। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार इन दरवाजों को जो भी खोलने का प्रयास करता है उस पर किसी रहस्यमय श्राप का प्रभाव पड़ता है, या तो वह मारा जाता है या किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है। यह मंदिर कब बना यह कब पाया गया, इस विषय में कोई ऐतिहासिक उल्लेख नहीं मिलता है। पर इस मंदिर को 500 BC और 300 AD के समय का बताया जाता है। यह मंदिर भगवान विष्णु के 108 दिव्य देशम यानी पवित्र स्थानों में से एक है। आश्चर्यजनक रूप से फिर भी इस मंदिर के विषय में कोई हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स नहीं है। यह मंदिर दुनिया के इतिहास में दर्ज किसी भी पूजा स्थलों में अब तक का सबसे धनवान पूजा स्थल है, और इस मंदिर के अंडरग्राउंड वॉल्स में लगभग 14 खरब 4 अरब और 15 करोड़ रुपए से अधिक सोने के सिक्के और जेवर रखे हुए हैं, और यह सोने के सिक्के और जेवर इस मंदिर की संपत्ति और आभा का एक छोटा सा हिस्सा है। पर इस मंदिर की सबसे रहस्यमय चीज इस मंदिर का छुपा हुआ दरवाजा है, जिसकी सुरक्षा इस कमरे के दरवाजे पर बने हुए दो विशालकाय कोबरा करते हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास करेगा उसका अंत बेहद दर्दनाक होगा। इस रहस्यमय दरवाजे को वॉल्ट बी के नाम से जाना जाता है। कई लोग यह मानते हैं कि वॉल्ट बी में छुपी जो भी चीज है वह इंसानी कल्पनाओं से परे है। इस रहस्यमय चैम्बर को खोलने का कोई माध्यम नहीं है, और ना ही इस चैम्बर के दरवाजे पर कोई बोल्ट या कड़ी लगी हुई है। ऐसी मान्यता है कि यह दरवाजा केवल सिद्ध साधु द्वारा एक शक्तिशाली गरुड़ मंत्र के उच्चारण से ही खोला जा सकता है, परंतु ऐसा कोई भी साधु नहीं है जो इस चैम्बर को खोल पाया हो, और वह शक्तिशाली गरुड़ मंत्र भी समय में कहीं खो गया है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि कोई आम इंसान बिना मंत्र के इसे खोलने का प्रयास करेगा तो उस स्थान पर प्रलय जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। पर यदि सही व्यक्ति और सही मंत्रों द्वारा यह चैम्बर खोला गया तो हिंदू मान्यताओं के अनुसार गरुड़ देवता, जो भगवान विष्णु के वाहन है, वह समस्त विषधारी सांपों को दूर हटा देंगे और यह द्वार खुद खुल जाएगा। कुछ लोग तो इस चैम्बर को अदर डायमेंशन या दूसरी दुनिया का दरवाजा भी मानते हैं। वहीं दूसरी तरफ वॉल्ट बी को छोड़कर बाकी सारे वॉल्ट्स खोले जा चुके हैं, और जहां अकल्पनीय धन का पता चला है, और समय समय पर शोध अध्ययन के लिए इन्हें खोला जाता है, पर वॉल्ट बी को खोलने का साहस कोई नहीं जुटा पाता। हम बस कल्पना ही कर सकते हैं, शायद वॉल्ट बी अपार धन के साथ साथ दुनिया के कई रहस्य खुद में समेटे हुए है। पर क्या कारण है कि इंसान के इतना विकसित
सक्षम और आधुनिक तकनीकी के होते हुए भी हम वॉल्ट बी को क्यों नहीं खोल सके? इसकी दो संभावित परिभाषाएं हो सकती हैं। या तो यह पौराणिक हिंदू मान्यता कि यह वॉल्ट बी किसी सिद्ध साधु और रहस्यमय गरुण मंत्र से खुलेगा, यह बिल्कुल सत्य है, या फिर इंडियन गवर्नमेंट इसे पहले ही खोल चुकी है और उन्हें कुछ ऐसा मिला है जो वे लोगों को नहीं बताना चाहते। दोस्तों, अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। आज इस वीडियो के लिए हम 500 लाइक्स का टारगेट रखते हैं। फिलहाल इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं आपसे मिलता हूं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।